तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि वीवो की डिवाइस में कॉल रिकॉर्डिंग कैसे सुनते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगों ने वीवो की डिवाइस में कोई भी कॉल को रिकॉर्ड करते हैं जनरली या मैनुअली, तो यहाँ पे आप लोग की जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो आप लोग की जाके सेव हो जाती है, और यहाँ पे आप लोग अपने जो है फाइल मैनेजर में जाते हैं अपनी कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप लोग अपनी कॉल रिकॉर्डिंग को नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जो है सारी फाइल छान देते हैं लेकिन आप लोग को कॉल रिकॉर्डिंग कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलती है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि वीवो की डिवाइस है तो आप लोग अपनी वीवो की डिवाइस में कॉल रिकॉर्डिंग जो भी करते हैं उनको आप लोग कैसे सुन सकते हैं। इस वीडियो में आप लोग मैं कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा काम में आएंगे। तो गाइस चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के लिए आप लोग को वीवो की डिवाइस में आप लोगों को जो है दो तरीके हैं। तो सबसे पहले तरीके में आप लोग यहाँ पे अपना जो आप लोग अपना जो फ़ोन जो डायलर पैनल है उसको आप लोग ओपन करेंगे। अब यहाँ पे गाइस आप लोगों ने जितने कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों ने कॉल की होंगी वो यहाँ आ जाएंगी। अब गाइस यहाँ पे आप लोग जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं तो आप लोग उसको जो है सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर मैं इसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग सुनना चाहता हूँ, और तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये वाला जो आइकन आ रहा है यहाँ पर आप लोग जो है क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है यहाँ पे रेड रेड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं इससे जो है कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ से सुन सकता हूँ। देख सकते हैं 1, 2, 3 इसी नंबर की जो है 3 कॉल रिकॉर्डिंग है, यहाँ से मैं इनको सुन सकता हूँ। ठीक है, ये हमारी कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे प्ले हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग फर्स्ट प्रोसेस में इस तरीके से आप लोग अपने वीवो की डिवाइस में कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। अब चलता हूँ यहाँ पे मैं दूसरे प्रोसेस पे। तो दूसरे प्रोसेस में आप लोगों को जाना होगा अपने फोन में एक आप लोग को रिकॉर्डर वाला एक एप्लीकेशन मिलेगा, तो सभी के फोन में आप लोग को रिकॉर्डर वाला ऑप्शन मिल जाता है एप्लीकेशन। तो आप लोग अपनी जो है डिवाइस में देख लेना होगा कि आपकी डिवाइस में रिकॉर्डर वाला ऑप्शन जो है एप्लीकेशन कहां आ रहा है। तो यहां पे हमारे में जो टूल्स में आ रहा है रिकॉर्डर, देख सकते हैं ये रहा रिकॉर्डर। तो आप लोग यहां पे जो है क्लिक करेंगे। अब गाइस यहां पे आप लोग जो है यहां से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और गाइस यहां पे आप लोग को कॉल रिकॉर्डिंग सुननी है तो आप लोग को 3 लाइन पे क्लिक करना होगा। अब गाइस यहां पे आप लोग देख सकते हैं यहां पे ये जो आप लोग देख रहे हैं यहां पे ये हमारी सारी की सारी कॉल रिकॉर्डिंग आ चुकी है। ठीक है गाइस, जितने भी आप लोग यहां पे देख रहे हैं यहां पे ये सारी की सारी कॉल रिकॉर्डिंग है। अब यहां पे मैं इस कॉल रिकॉर्डिंग को यहां से इस तरीके से सुन सकता हूं। देख सकते हैं हमारी कॉल रिकॉर्डिंग यहां प्ले हो चुकी है, और यहां से आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस इस तरीके से आप लोग अपनी वीवो की डिवाइस में कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। गाइस अगर आप लोग अपनी वीवो की डिवाइस में कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।